जहां तक झारखंड सीजीएल एग्जाम होने की संभावना है, काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको जेएसएससी सीजीएल की तैयारी करनी चाहिए या जेपीएससी फॉरेस्ट एग्जाम की, क्योंकि दोनों की ही संभावित तिथि जो है वो सितंबर का अंतिम सप्ताह है, तो 22-23 सितंबर के आसपास में जो है यहाँ पे दोनों की ही संभावित तिथि है। तो इसमें से कौन सा एग्जाम जो है पहले हो सकता है, क्योंकि कुछ नया अपडेट है, इस पर बात करेंगे, और आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए इस पर हम चर्चा करेंगे, ताकि आपको यहाँ पे एग्जाम अच्छे से क्रैक हो सके, दो नाव में पैर रखने वाली स्थिति आप ना हो, इस पर भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आपको मालूम है कि जेपीएससी के जो चेयरमैन है, फिलहाल अभी उनका जो पोस्ट है वो खाली पड़ा हुआ है। नीलिमा केरकेट्टा जी का कार्यकाल खत्म हो गया, जेपीएससी चेयरमैन थी, अब नए चेयरमैन की नियुक्ति अभी हुई नहीं है। ठीक है, इसमें बातचीत चल रही है मगर अभी हुई नहीं है। अब देखिए, इसी मुद्दे पर कुछ छात्र हमारे झारखंड के राज्यपाल जी से मिलने पहुंचे थे और उन्होंने अपनी बात रखी कि जेपीएससी के जो चेयरमैन है उनका पोस्ट यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है कि जेपीएससी का जो पोस्ट है, चेयरमैन का जो पोस्ट है वो खाली पड़ा हुआ है। इसके पहले भी जो चेयरमैन की नियुक्ति हुई थी वो काफी दिनों बाद हुई थी। ठीक है, तो इस मुद्दे को लेकर जब राज्यपाल से वो पहुंचे तो राज्यपाल ने यहाँ पे आश्वस्त किया है कि उनको इनकी जानकारी नहीं है, तो यहाँ पे वो हर संभव कोशिश करेंगे कि इसको लेकर एक समाधान निकाला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति अभी थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, बहुत ज्यादा नहीं, बट इसमें अभी फिलहाल तो नियुक्ति नहीं हुई है। ठीक है, तो आप एक तो ये दिमाग में आइडिया रखिए। ठीक है, अगली चीज यहाँ पे यह है कि यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आप टेस्ट सीरीज वगैरह आप नोट्स ले सकते हैं, ये नोट्स जरूर लीजिएगा। यदि आप जेपीएससी शायद 14 जेपीएससी की भी कर रहे हैं, चाहे फॉरेस्ट की कर रहे हैं, तो ये वाला झारखंड जीके का नोट जरूर लीजिए, ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इन दोनों में से टेस्ट सीरीज, झारखंड जीके वाला टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स वाला टेस्ट सीरीज और झारखंड सीजीएल पेपर 3 की टेस्ट सीरीज, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सीजीएल की नोट्स भी आप एनालाइज फॉर यू ऐप में ले सकते हैं। ये सारी चीजें एनालाइज फॉर यू ऐप में उपलब्ध है, जिसके लिंक मैं कमेंट या डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, या गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, यहां पे दोनों में कंपैरिजन करते हैं, सबसे पहले जेपीएससी और झारखंड सीजीएल में। तो सबसे पहले हम बात करें तो जेपीएससी के चेयरमैन की अभी नियुक्ति हुई नहीं है, जेएसएससी के लिए ऐसी कोई दिक्कत अभी फिलहाल नहीं है। ठीक है, पहली तो यह चीज। दूसरी चीज, जेपीएससी फॉरेस्ट की बात करें तो इसमें एक तो प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस भी होगा। ठीक है, मतलब एक तो एमसीक्यू टाइप का एग्जाम होगा कि ऑब्जेक्टिव तो है ही, दूसरा आपका मेंस में आपका सब्जेक्टिव भी, मतलब लिखने वाला जो है वो भी रहेगा जेपीएससी में। दूसरी चीज, इसमें आपका फिजिकल भी होगा, आपको दौड़ भी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो आप अपने को पहले देखिए कि हम कौन से में सेट हो रहे हैं। अगली चीज, तीसरी पॉइंट आपको दिमाग में रखनी चाहिए कि इसमें जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार का है प्रीलिम्स का, क्या हमारा कंप्लीट है, क्या हमारा मेंस कंप्लीट है। हालांकि मेंस में अभी टाइम है, मेंस में आपको बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये किसके बाद होगा, तो ये मतलब अभी जो इलेक्शन होगा, ठीक है, नवंबर दिसंबर के आसपास इलेक्शन होने की संभावना है और जनवरी में नई सरकार का गठन होगा, क्योंकि जनवरी 2025 में ये जो अभी वर्तमान सरकार है वो 5 जनवरी को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है लगभग, हेमंत सोरेन जी का। ठीक है, तो ये सरकार उसके बाद ही जाएगी, तो तब तक उसके बाद ही उम्मीद है कि इसका मेंस का एग्जाम हो। ठीक है, संभावना यही है जेपीएससी के संदर्भ में। तो आपको प्रीलिम्स का एग्जाम अभी, हालांकि चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई है, तो बहुत उम्मीद कम है कि ये सितंबर में होगी। हालांकि जेपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड यदि हम झारखंड एसएससी के कंपैरिजन में करें तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, ये एग्जाम लेने में बहुत जल्दी ले लेती है, मगर जो इसके पहले चेयरमैन थी उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, वो बहुत क्विकली काम करती थी। अभी नया चेयरमैन आएगा वो कैसा काम करेगा ये तो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मुझे कम लग रही है कि इसकी संभावना, क्योंकि इसमें केस भी हो रखा है, 15 अक्टूबर जो है अगली हियरिंग है, तो चांसेस कम है कि इसके जो एग्जाम है वो सितंबर को हो। फिर भी आपको तो टारगेट बनाकर चलना होगा, दिमाग में रखना है कि आपको कौन सा एग्जाम निकालना है। अगली चीज, झारखंड सीजीएल के संदर्भ में आपको मालूम है कि इसमें आपका प्रीलिम्स होगा सिर्फ, मतलब इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे, मेंस कुछ नहीं है, आपको सब्जेक्टिव कुछ नहीं लिखना है। मगर इसमें 3 पेपर है, हिंदी इंग्लिश का पेपर 1 है जिसमें आपको सिर्फ पास करना है, पेपर 2 में रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज आपका कंप्लीट है नहीं है ये भी आप अपने में जो है खंगाल लीजिए। अगली चीज, पेपर 3 वाला तो कंप्लीट लगभग हो ही जाएगा आपका, पेपर 3 का जो है यहाँ पे जो सिलेबस है, ठीक है, तो ये आपका लगभग मैच करता है जेपीएससी के सिलेबस से। ठीक है, तो ये वाले में दिक्कत आपका नहीं आएगी, आपको ये देखना है कि पेपर 1 में भी दिक्कत नहीं आएगी, लिसन करिए खत्म हो जाएगा। क्या आपका पेपर 2 कंप्लीट है ये आप एक बार थोड़ा सा सोच लीजिए।
ठीक है। और इस बेसिस पे आप दोनों को कंपैरिजन करके आप सेट कर लीजिए कि आप कौन से एग्जाम के लिए फेवरेबल हैं, ठीक है। यदि आपको लगता है कि नहीं, मैं जेपीएससी भी दे सकता हूं, क्योंकि इसका प्रीलिम्स हमने खत्म कर लिया, इसका हमने ये पेपर थ्री वाला खत्म कर लिया है, इसका नोट्स मैं दे भी रहा हूं, आप ले भी सकते हैं टेलीग्राम में, सॉरी एनालाइज प्रो ऐप में उपलब्ध है, आप देख लीजिए इसका। यदि आप ये वाला सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो आपका प्रीलिम्स का लगभग आप खत्म कर पा रहे हैं, मतलब प्रीलिम्स संभावना है कि आपकी निकल जाएगी, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप यदि दोनों की भी तैयारी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। जहां तक झारखंड सीजीएल एग्जाम होने की संभावना है, काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि ये सितंबर के लास्ट वीक में झारखंड सीजीएल हो जाए, क्योंकि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। जिस प्रकार से उन्होंने उत्पाद सिपाही की दौड़ की, यहाँ पे परीक्षा जो है आयोजित करी है। हालांकि इस क्रम में हमने देखा कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिए इस दौड़ को करने में, ठीक है। तो आप अपना टारगेट सेट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।